नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चलिए उनसे जानते हैं जो आज वो है उनका डिपार्टमेंट जो नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, जैसे कि आज 25 जनवरी है और आपके डिपार्टमेंट ने नेशनल टूरिज्म सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए आज क्या क्या करने वाले हैं आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे सर। नेशनल टूरिज्म डे एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट आज हम लोग का प्रोग्राम यहाँ गोम्पा में आज क्लीनलीनेस का प्रोग्राम है और सभी स्टेक होल्डर्स को लेके, जैसे टूर ऑपरेटर्स है और जो स्टूडेंट्स है टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री के, उन सभी को लेके और दोनी पोलो विद्या भवन के स्टूडेंट्स उनको भी लेके, हम सभी स्टेक होल्डर्स को लेके यहाँ एक क्लीनलीनेस ड्राइव किया है। एक्चुअली पर्पस है कि हम लोग प्रमोट करना है टूरिज्म, सभी को अवेयरनेस लाना चाहिए टूरिज्म आज का दिन में, खास करके यही मकसद है नेशनल टूरिज्म डे की। सर, जैसे कि ये जो गोंपा मंदिर जो बैंक नाली का है, यहाँ पे तो हमेशा सफाई रहता ही है, तो आपको क्यों लगा कि ये टूरिज्म डे को यही सेलिब्रेट करना है और क्लीनिनेस ड्राइव, जबकि ये साफ ही रहता है, यहाँ का जो गोंपा अथॉरिटी वो सफाई करते रहते हैं, तो आपको क्यों लगा कि आपका डिपार्टमेंट को कि यहाँ ही सफाई करना है और टूरिज्म डे सेलिब्रेट करना है? एक्चुअली ये एक डेस्टिनेशन है ईटानगर में जो बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर आप लोग सफाई इस लोकेशन को नज़र आता है सफाई, लेकिन आप अगर अभी मेरे साथ चल के देखेंगे कि कितना गंदगी निकला हुआ है अभी सफाई करके, आप देख सकते हैं कि कितने गंदगी था। तो इम्पोर्टेंट है कि एक साफ जगह को साफ रखना, ठीक है। तो यहाँ भी कंडीशन ऐसा हो रहा था कि साफ जगह है लेकिन इसका कंडीशन भी थोड़ा गिरता हुआ नज़र आया, ठीक है। तो ये कारण से हम लोग ने इसको सफाई किया। एंड बाय द वे जो गंगा लेक को भी वेरी रिसेंटली काफ़ी उसका भी सफाई कर दिया है, तो आज खास करके ये डेस्टिनेशन रहा। और हम लोग पिछला बार भी एटा पोर्ट वगैरह में भी किया, तो ये नहीं कि मतलब केवल यही पर जी। सर, जैसे कि आज ये जो नेशनल टूरिज्म डे आप लोग ने गोंपा में कर रहे हो ऑर्गेनाइज सफाई का या कुछ भी यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो जैसे कि सर आपने खुद बोला कि गंगा लेक का भी आप लोग ने रिसेंटली ही सफाई करवाया, तो जैसे कि सर हमारा जो अरुणाचल टुडे टीम है, लास्ट ईयर 2018 के समय में जनवरी यही महीने में हमने सर्वे किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे टोटल टॉयलेट था वहाँ पे लेकिन डिसमेंटल, वहाँ यूज़ नहीं हो रहा था, तो और जो वहाँ पे विजिटर्स आए थे उनका भी वही कहना था कि यहाँ पे सफाई ठीक तरीके से नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जो कि क्यों विजिटर जितने भी आते हैं उनको तकलीफ़ होता है, और जो लॉज या कुछ बना हुआ है गेट के पास में वहाँ भी टॉयलेट जो है वहाँ पे एंट्री करने नहीं देते, यूज़ करने नहीं देते। तो सर, और अभी जब हमने डीसी सर से भी इंटरव्यू लिया था लास्ट ईयर को 2018 को, तो सर का भी वही कहना था कि जल्दी ही टॉयलेट बन जाएगा, प्रपोजल डाला हुआ है, तो अभी ये साल 2019 के महीने यही महीने में हमने देखा, फिर से री सर्वे किया तो पता चला कि अभी तक बना ही नहीं है, कुछ शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो सर उस पर आपको क्या कहना है? गंगा लेक जो है ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका मेंटेनेंस देख रहा है, लेकिन एक मेरा समझ में यह है कि उनका एक प्रपोजल है जो कि डिस्ट्रिक्ट में देता है फंड, तो उसमें उन लोगों ने गंगा लेक का डेवलपमेंट के लिए एक उन्होंने स्कीम रखा है, शायद ये अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ होगा जिसके कारण जो है ये अभी काम नहीं हुआ है। लेकिन एक बात यह मैं बताना चाहूँगा, स्टेटस गंगा लेक का ऐसा है, जो एरिया है जो लैंड है वो बिलोंग करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और वाटर बॉडी जो है वो बिलोंग करते हैं फिशरी डिपार्टमेंट को, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इधर उधर बना के रखा है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट से है और शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी होंगे। तो रिसेंटली भी एक मीटिंग मेरा कैपिटल डीसी का साथ हुआ, उसमें भी मेरा यही कहना था कि मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट अच्छा लोकेशंस
जो लोकेशंस टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग प्रमोट करेगा, लेकिन हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर जाके सभी जगह कंस्ट्रक्शंस करेगा या हम लोग का इंटरवेंशंस देंगे ये ज़रूरी नहीं है। लाइक सपोज अभी आप देखिएगा, सपोज ये को इटा पोर्ट को, तो इटा पोर्ट में इट इज़ मेंटेन बाय रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, हम लोग प्रमोट करता है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लोकेशन, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट जाके वहाँ बहुत कुछ इंटरवेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमको लगता है कि जो गंगा लेक का केस है इसमें भी अगर एक ही डिपार्टमेंट उसको मेन करता, लाइक सपोजिंग उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर देखता, तो वो बेटर ये हो, मेरे ख्याल में बेटर जो है ये होना था। एक हिंदी में कहावत है, तीन तिगड़ा तो काम बिगड़ा, ठीक है, तो इसी तरह का तोरा हमको ये नज़र आता है। लेकिन एक मेरा मानना है कि ऐसे सभी अरुणाचल के सभी डेस्टिनेशंस को जितना हम कंस्ट्रक्शन करेगा उतना ही डिस्ट्रक्शन होता है। अरुणाचल में क्या है, अरुणाचल में टूरिस्ट क्यों आएगा, केवल नेचर के लिए, यहाँ कोई वाटर पार्क या यहाँ कोई बड़ा बड़ा कुछ जो देखने का ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा नाम में तवांग मॉनेस्ट्री जैसे है, हमारा नामसाई में जैसे हम लोग का है बुद्धिस्ट टेम्पल, तो ये सब है, लेकिन आएगा यहाँ तो नेचर के लिए। तो हम जितना भी इंटरवेन करेगा, कंस्ट्रक्शंस करेंगे और जितना भी हम कंक्रीटाइजेशन करेगा तो वो डिस्ट्रक्शन ही है जी। तो सर आखिर में आप जो यहाँ के लोग हैं अरुणाचल के एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट टूरिज्म के, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज ये है, एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि टूरिज्म जो है वो एक्चुअली हर जगह के लिए भी नहीं होता। अरुणाचल में ऐसा है, हम लोग देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हर जगह को प्रमोट करने का कभी कोशिश करता है, लेकिन एक ये भी देखना होता है कि किस जगह टूरिज्म के लिए जो है लोग भी किस जगह तैयार हो गया है टूरिज्म के लिए, वो चीज़ भी देखना होगा। ये साइड बाय साइड ही चलेगा, तो हम लोग इम्पोज नहीं कर सकता है टूरिज्म, ये चीज़ एक मानने का है। और एक है कि बड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर्स हम लोग डिपार्टमेंट्स बना के आए हैं, तो ये शायद जो है इतना ज़रूरी नहीं है कई जगह में, छोटा स्ट्रक्चर्स और जो नीड बेस्ड है वो काम करने से ठीक रहेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग नेचर को मेंटेन करें, तो उसी में ही हम लोग का टूरिज्म का पोटेंशियल है जी। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। Limelight for the fact of our whatever we offer is everything is pristine, good nature, and the best part of it, we are selling our rich, pristine, adventurous, oxygen-rich state to the people of coming from international countries or from the rest of the countries. I see a lot of tourism students. Soon you will be graduating or with a degree and a diploma. My message to you is government cannot give so many jobs, but we give you a lot of opportunities that you can embrace. You can embark on being the your own tour ambassador for the state. We will be starting courses on